सुबह 6:30 बज रहे हैं एंड वी आर हियर इन लद्दाखी ढाबा सरचू। यहाँ पे सोए थे, इतना बड़ा बेड तो किसी होटल में भी नहीं मिलता। अभी फ्रेश होना है और निकलना है मनाली के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम इन टू द 20th एंड द लास्ट डे ऑफ दिस राइड इन हिमालयाज। आज हम पहुंचेंगे मनाली और कल से वापसी का रास्ता चालू। द टाइम राइट नाउ इज 7:45 AM ऑन 27th of September 2019। और मैं बार बार उधर क्यों देख रहा हूँ पता है? उस तरफ जाना है, बारालाचा पास उस तरफ है और पूरे बादल भर चुके हैं। पता नहीं क्या होने वाला है बिकॉज इट्स ऑल क्लाउडी ओवर देयर। चलो वी आर ऑल सेट, द लगेज इज ऑल माउंटेड, बाइक्स आर रेडी, स्टार्टेड लद्दाखी हिल ढाबा। सर जी हो गया सब? चलो सर, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, निकलते हैं। हिमालयाज में आखिरी दिन है आज का। आई ऑलरेडी फील लाइक मिसिंग समथिंग। 7:55 राइट नाउ, लेट्स गो। दिस बोर्ड वेलकम्स अस टू हिमाचल प्रदेश वंस अगेन। 6 स्टेट्स के बाद जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी, उसके बाद लद्दाख की यूनियन टेरिटरी और अभी 9th स्टेट क्रॉस। वंस अगेन इन हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे जितने भी कैंप साइट्स होती है सब ऑलरेडी हट चुकी है बिकॉज द सीज़न हैज़ एंडेड। शायद हम लोग सीज़न एंड करवाने ही आए इधर। दिन बदल चुका है लेकिन स्टोरी वही है। लुक एट द रोड। सो प्रोजेक्ट हिमांक और प्रोजेक्ट दीपक दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं कौन अच्छा रोड बनाएगा। वहाँ पे सिंगल रोड था, यहाँ पे तो अच्छा खासा 2 लेन रोड है। एटलीस्ट भरतपुर तक भी ऐसा रहा ना तो भी फटाक से बारालाचा क्रॉस कर जाएंगे, फिर उसके बाद जो होना है हो जाए। इट्स ऑलमोस्ट 8:15 एंड इट्स स्टिल फ्रीजिंग कोल्ड। बॉडी वार्मर पहना है, उसके ऊपर टी शर्ट पहना है, उसके ऊपर राइडिंग जैकेट, ग्लव्स में लाइनर, उसके ऊपर ये विंड प्रूफ वाटर प्रूफ ग्लव्स एंड स्टिल आई एम फीलिंग इट। ओनली सूदिंग पार्ट इज बीच बीच में कहीं पे सनरेज इट्स लाइक स्प्लैशिंग, बस उतना ही अच्छा लग रहा है देख के। थोड़ी धूप देख के भी गर्मी महसूस होती है। मैन इट्स कोल्ड। देयर यू गो, 4 किलोमीटर्स बिफोर केलोंग सराई, मतलब जहां से बारालाचा की चढ़ाई चालू होती है। केलोंग सराई इज अ BRO पोस्ट। बस वहां तक रास्ता बना हुआ है और अब फिर से ऑफ रोड चालू। आई एम एक्सपेक्टिंग बारालाचा क्रॉस करके जिंगजिंग बार तक ये ऐसे ही रहेगा। लेट्स सी, जो भी होगा मजा आएगा क्योंकि बारालाचा के टॉप पे ऑलरेडी अच्छी खासी स्नो दिख रही है। शाबाश। यहाँ पे शार्प कट्स ले नहीं सकते, आगे का व्हील फंस जाता है।
कल से जो सेकंड से लेके छठवें गियर तक याद आ चुके थे बाइक को, वो सब अभी भूल चुके हैं वापस, एंड बैक इनटू फर्स्ट गियर। यो बारलाचा की चढ़ाई चालू। नाउ दैट इज अ टेरिफाइंग साइट। ये बारलाचा का रास्ता आपको दिख रहा है उस तरफ जाने वाला, और वो जाके बर्फ और क्लाउड्स में गायब हो रहा है। ऑलरेडी द टेम्परेचर इज अराउंड 0 degrees। वहाँ जाना है। और ये हम पहुंच गए हैं पागल नाला। अब ये आगे का जो पागल नाला का ऑफ रोड है, इसको हम अपनी मशाल से शूट करेंगे। लोग कहते हैं ना लेह मनाली हाईवे आसान है, उन्हें ये दिखाओ फिर पता चलेगा लेह मनाली हाईवे क्या है। वेल फाइनली वी आर थ्रू फ्रॉम द पागल नाला। भरतपुर कॉलोनी क्रॉस करके अभी बारलाचा की फाइनल चढ़ाई चालू। लगता तो है कि आज अपना लकी भाई अच्छे मूड में है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे धूप भी अपने साथ आगे बढ़ रही है। अच्छा है अगर बारलाचा भी क्लियर होता है हम पहुंचने तक। अभी भी बादल है ऊपर, बट अल्टीमेट जो बारलाचा की चढ़ाई है वहाँ पे रोड अच्छा मिल गया है लकीली। यस सर। ये पिछले साल का नहीं है, ये अभी हुआ है पिछले 8 दिन में। दिस स्ट्रेच, ये जो सामने का पैच है बारलाचा का, ये सबसे रिस्की पैच है। समहाउ सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स यहीं पे होते हैं, और यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनका प्रूफ भी यहीं पे मिलता है। दिखाऊंगा अभी, बस अभी यहाँ पे रुकेंगे और मैं आपको एक दर्दनाक नजारा दिखाऊंगा। जस्ट हैव अ लुक। 1, 2, 3, 4 दिस इज व्हाई दिस प्लेस इज द मोस्ट डेंजरस। And after all the efforts, we are almost here at the top of Baralacha. Baralacha Pass. Altitude is 4,850 meters. धूप होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा ठंड है, so ज़्यादा देर रुक नहीं पाए Baralacha टॉप पे। Hardly 2 or 3 minutes. It's freezing cold. And second thing is, आगे जिस तरफ उतरना है उस तरफ अभी पूरा cloudy है, तो जल्द से जल्द नीचे उतर जाएंगे। दारचा तक पहुंचना है जितना जल्द पहुंच सके। दैट्स द लेक कॉल्ड सूरज ताल, ऑल्सो नोन एज विशाल ताल, दोनों नाम है उसको, बट सूरज ताल ही ज़्यादा से कहा जाता है इसको। बहुत कम पानी है, सी ऑलमोस्ट 10-15 feet अबाव वाटर लेवल दिखता है। Look at these wet roads.
यहाँ पे बारिश हुई है एंड वी आर वेरी लकी टू हैव एस्केप्ड दिस. लेकिन अब ऐसा है कि इन गीले रास्तों पे कहाँ पे ब्लैक आइस होगा पता नहीं चलेगा, सो वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल. वी आर ऑलमोस्ट डाउन फ्रॉम बारालाचा सेफली, और लकीली धूप भी हमारे साथ चल रही है. तो वॉज एन अमेजिंग राइड. अभी सुबह से जहाँ से स्टार्ट किया सरचू से, वहाँ से अराउंड 50 या 55 किलोमीटर्स कर चुके हैं. टाइम इलैप्स्ड इज 2 hours एक्सैक्टली. फिर एक बार ऑफ रोड है यार. उतर उतर थांबा सर, एकट्याला नाही उतरणार. अरे यार बॅग उचल प्रियांका. दिस इज द एक्झॅक्ट साइट जहां पे 2017 में हम लोग फंसे थे फ्लॅश फ्लड्स में. ये पूरा सब बह के आ गया था नीचे और मैं और परेश पीछे अटक गए थे 4 घंटे. By the way, did you guys notice another change in the landscape? जैसे ही हम बारालाचा उतर के मनाली की तरफ आगे बढ़े हैं, the mountains have a green color now. अभी जो recently मतलब इसी महीने में BRO ने नया पास ओपन किया है जो दारचा को जांसकर वैली से कनेक्ट करता है थ्रू. द पास इज नेम्ड एज शिंकुला. वो जो रूट है वो अभी थोड़े आगे जाने के बाद अपने को दिखेगा. आई शो यू सो दैट वेन यू आर प्लानिंग टू कम, अगर आपको शिंकुला से झांसकर वैली करना है तो दारचा से 2 या 3 किलोमीटर आगे आने के बाद वो टर्न है. आई शो यू. सो एज आई सेड दिस इज द माइल स्टोन ऑफ 2 किलोमीटर्स फॉर दारचा. मतलब आप मनाली साइड से अगर आते हो तो दारचा से टूवर्ड्स लेह 2 किलोमीटर आने के बाद ये रूट है. ये जो सामने गया हुआ रूट है ये अगर आप रूट लेते हो तो आप जाएंगे डायरेक्टली झांसकर वैली में, नया जो शिंकुला खुला हुआ है उस रूट से. और ये हम पहुंच चुके हैं दारचा चेक पोस्ट के पास. ये नया ब्रिज बन रहा है बहुत बड़ा, अभी तो छोटा वाला ब्रिज है. मजा आता है छोटे वाले ब्रिज से ही जाने में. यहीं पे पहले रुकेंगे, कहीं पे नाश्ता करेंगे. शेरिंग ढाबा, क्या भरपेट और टेस्टी ब्रेकफास्ट हुआ है. आधा पौना घंटा गया इधर, अभी ऑलमोस्ट 12 बज रहे. अब रुकेंगे डायरेक्टली पांडी में पेट्रोल पंप पे. चलो टाटा. विदिन 40 मिनट्स फ्रॉम दारचा केलोंग पहुंच चुके हैं थैंक्स टू गुड रोड्स. अभी केलोंग में रुकना तो है नहीं तो सिटी बाईपास से निकल जाएंगे. यहाँ पे रहने वाले लोग कितने लकी हैं ना, नज़ारे ही नज़ारे देखते रहो बस.
यहाँ पे नीचे दो नदियों का संगम है, इफ़ यू कैन सी राइट देयर। तो यहाँ पे एक बोर्ड अभी मैंने पढ़ा, इट्स रिटन एज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ब्लू वाटर्स ऑफ चंद्रा एंड ग्रीन वाटर्स ऑफ भागा विच बिकम टुगेदर एज चंद्रभागा, जिसको बाद में चिनाब रिवर के नाम से जाना जाता है। ये था आज का ज्ञान का डोज। ये रहा तांडी का फेमस पेट्रोल स्टेशन। लेह मनाली हाईवे पे सिर्फ दो पेट्रोल पंप है, एक कारू में लेह से 40 किलोमीटर पे और दूसरा ये वाला। इन दोनों पेट्रोल पंप्स के बीच में डिस्टेंस है 365 किलोमीटर। लेकिन अभी हम इसको दूर से ही टाटा बाय बाय करने वाले हैं, क्योंकि अपने पास अभी है इसमें 6 पॉइंट, मतलब 150 किलोमीटर के आसपास इस पे चलेगी, और 3.5 लीटर पेट्रोल अपने पास है कैन में। पेट्रोल लागणार आहे भरायला? भरायला लागणार आहे? नाही लागणार। तुला लागणार आहे? चलो फिर किरांग क्रॉस करके, सिस्सू क्रॉस करके हम पहुंच गए हैं अब ऑलमोस्ट कोक्सार तक। लेकिन कोक्सार से 8 किलोमीटर पहले ये साइट मुझे आपको दिखानी थी। दिस इज द केलोंग साइड ओपनिंग ऑफ रोहतांग टनल। तो अभी और एक दो साल के बाद अगर आप आएंगे तो रोहतांग पास नहीं होगा, रोहतांग टनल होगा, और आप सीधा इस तरफ टनल से बाहर निकलेंगे। यहाँ से कोक्सार का चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया है और अब रोहतांग पास की चढ़ाई चालू। इस राइड का आखिरी हाई एल्टीट्यूड पास रोहतांग, एंड वी आर ऑफ टू इट नाउ। दिस इज ग्रामफू। ग्रामफू ये गांव है जहां से स्पीति वैली का रास्ता कटता है। दिस पॉइंट हियर, दिस रोड ऑन माई लेफ्ट गोज टू स्पीति वैली। देख लो कितना अच्छा रास्ता है। काजा इज 139 फ्रॉम हियर। ये होता है जब रोहतांग पास अपने असली रंग दिखाता है। दिस पास माइट बी द लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इन दिस राइड। Amazing and unique view there. See the clouds simply flowing down the slope. We are climbing up the mountain and the clouds are flowing down. Phir ek bar freezing cold wind and we are almost there at the Rohtang top, which is also termed as the gateway to Lahaul and Spiti. For us it will be the exit point from Lahaul and Spiti. Here it is. Baki do log kidhar gaye? Photo nikalne ke liye aage aaye the? Haan hai hai. रोहतांग टॉप से मनाली साइड इज ऑल फॉग्ड अप एज ऑलवेज। हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा। मजा आएगा अभी पूरे बादलों में नीचे उतरने में। रोहतांग टॉप क्रॉस कर लिया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मनाली तक एकदम आसान रास्ता मिलेगा। चैलेंज कंप्लीटेड तो बोला मैंने, बट चैलेंज इज येट टू बी ओवर। जब बात
शब्द काहे Gulaba checkpost, the last checkpost on this ride, I think. बस अभी यहाँ से एक बार एंट्री करके बाहर निकल गए, मतलब एग्जिट करके. तो उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एंट्री करनी होती है, एग्जिट तो है ही नहीं. चलो अच्छी बात है, ये प्रोसेस भी बंद हो गया. वन फाइनल ड्राइव towards द डेस्टिनेशन टुडे. आखिरी 20 किलोमीटर मनाली के लिए. और क्या रोड है. मनाली तक पहुंचना और मनाली में आके सेटल होना बहुत डिफरेंस है. 5:30 हम लोग मनाली में एंटर कर चुके थे, लेकिन होटल लेके सब सामान वगैरह सेटल डाउन करने में 9 बज गए. ऑफ कोर्स थोड़ा फ्रेशन अप भी होना था, बट इन दिस 3 आवर्स ऑफ टाइम बाइक का सर्विसिंग हो गया, योगेश की बाइक का रिपेयर हो गया, सो इट वॉज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम एक्चुअली. एनी वेज फाइनली वी आर इन मनाली. लद्दाख 2019 का ये लद्दाख सर्किट कम्प्लीट हो चुका है. टुमोरो विल बी रेस्टिंग हियर. मनाली में लोकल साइट सीइंग करेंगे, मनाली के कुछ प्लेसेस आपको दिखाएंगे, एंड देन डे आफ्टर टुमोरो दैट इज ऑन 29th विल स्टार्ट आवर रिटर्न जर्नी टूवर्ड्स मुंबई. तो कल मनाली के स्पेशल प्लेसेस, मनाली के जो साइट सीइंग प्लेसेस हैं वो आपको देखने मिलेंगे अगले ब्लॉग में जो आएगा 4 दिन बाद. हम 20th of September कल जाएंगे मनाली घूमने. अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं. होप यू हैव एंजॉयड दिस राइड ऑन लेह मनाली हाईवे, जो कि बहुत आसान हो चुका है पहले से. टिल द नेक्स्ट टाइम वी कम अप विद लोकल साइट सीइंग ऑफ मनाली, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स.